ये हमारे यहाँ पे अर्जेंट फंड्स की प्रॉब्लम हो गई है पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में, जो कि MES बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो जितने भी बिल्डर्स हैं हमारे, उनको फंड्स 1600 करोड़ की लाइबिलिटी अभी गवर्नमेंट ने के ऊपर खड़ी है, जो कि जितने भी काम हमारे इंडिया में चल रहे हैं उसमें फंड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान होने को आ रहा है। हमारे साथ हमारी लेबर्स, हमारी मार्केट, हमारे सारे इंडिया के व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, और 73 ब्रांचेज हमारे MES बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हैं, जिसमें हमारे 6000 मेंबर्स, इसमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि 6000 मेंबर्स इसके साथ अफेक्टेड हैं, जिनके साथ 6000 मेंबर्स के साथ आगे उनके 6 लाख परिवार, उनके लेबर्स, उनकी जितनी भी मार्केट है पूरे इंडिया में वो जूझ रही है। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, हमारे इंजीनियर इन चीफ जो दिल्ली में है कश्मीर हाउस से, उनसे पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, और ये पैसा क्यों विड्रॉ किया गया है हमें नहीं पता, पर मैं इतना कहूँगा जो ऑन गोइंग वर्क्स, जो हमारे काम चल रहे हैं, उन कामों के लिए इमीडिएट पैसा हमें मिलना चाहिए, जो कि 1600 करोड़ की लाइबिलिटी खड़ी है पूरे इंडिया में। जो 1600 करोड़ की लाइबिलिटी है वो पूरे भारतवर्ष की लाइबिलिटी खड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। मैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से गुजारिश करता हूँ, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से इमीडिएट राहत ली जाए, ताकि जितना भी पैसा इंजीनियर चीफ जो हमारे कश्मीर हाउस में बैठते हैं उनको फटाफट डिस्पर्स किया जाए। हमारी लाइबिलिटी मींस कि हमारे पास कोई फंड्स नहीं है और हमारे सारे काम बंद होने की हैं, और अगर हमारे को पैसा टाइम पे नहीं मिला तो हो सकता है हम टूल डाउन स्ट्राइक परमानेंट 23 अक्टूबर के बाद पूरे इंडिया में करेंगे, जिसकी वजह से पूरे इंडिया के सारे काम बंद हो सकते हैं।